ब्रेक से वापस आ रहे हैं। तो मिशन 2024 को फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बिसात और अपने मोहरे बिछाने शुरू कर दिए हैं, और आज जब किदवई नगर के मंच से अनुसूचित जात सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने सीधे तौर पर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। एक बड़ा संदेश देकर गए सीएम योगी आदित्यनाथ, मंच से बसपा और कांग्रेस का नाम तक नहीं लिया है सीएम योगी ने, विपक्ष समाजवादी पार्टी और उस पर ही निशाना साधा है। तीन खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है। नवाब सिंह यादव जी कन्नौज से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, अनुपस्थित भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं। अनूप वाजपेयी जी, आपका रुख करेंगे, आज अगर सीएम का पूरा संबोधन, लगभग 40 मिनट का संबोधन था, उसमें देखा जाए तो कांग्रेस और बसपा का नाम तक नहीं लिया उन्होंने, यानी कि सीधी लड़ाई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से मान रही है बीजेपी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मान रही है, क्योंकि बीजेपी को भी मालूम है कि समाजवादी पार्टी का जो नेटवर्क है या जो सीटें भी पिछले चुनाव में सपा ने काफी बढ़ा के जीती थी, करीब 100 के आसपास सीटें बढ़ी थी सपा समाजवादी पार्टी की, तो उन्हें ये तो सीधा गणित सामने दिखाई देता है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मायावती शांत बैठी है, कोई नेता ज्यादा उनका कोई बहुत ज्यादा रोल फील्ड पर जनता के बीच नहीं है किसी बसपा नेता का, तो वो तो लगभग जीरो पे खड़ी हुई है। कांग्रेस की दो सीटें हैं, मेहनत हो रही है, लेकिन उनको ये मालूम है कि चुनाव में सीधा मुकाबला हमें समाजवादी पार्टी से ही करना है, तो अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी निशाने पर रहेगी। इंडिया गठबंधन मुकाम तक पहुंच पाएगा? पिछले दिनों जो तलखी देखने को मिली, जो दरारें देखने को मिली है, खाई पट पाएगी क्या? क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन बनता है तो एनडीए का मुकाबला सीधे तौर पर होगा। हालांकि अखिलेश यादव भी कह चुके हैं 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कह चुकी है 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। देखिए, एक बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करीब आए थे जी, तो साइकिल पे दो युवाओं की सवारी में दो लड़के बनाया था माहौल, तो उसमें तो थोड़ा तलखी आई, फिर समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से दोस्ती की, जिसका फायदा बहुजन समाज पार्टी ने अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहराते हुए समाजवादी पार्टी को धोखा दिया। तो अब ये गठबंधन नेशनल लेवल पर है, सिर्फ यूपी लेवल पर नहीं है, दो पार्टियों के बीच में नहीं है जी, तो इसमें बहुत सारे दल हैं, सब बैठेंगे मिलेंगे आपस में, विचार विमर्श होंगे, नेता है, बयानबाजी होती है, थोड़ी तलखी दिखाई देती है, फिर गले मिल जाते हैं, तो ये तो सीधे सीधे जो भी प्रेशर टैक्टिक्स कह सकते हैं, ये सीटों के बंटवारे को लेकर है। जब दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं कि हम 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, हम 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, दबाव की राजनीति है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में, बिल्कुल दबाव की राजनीति कह सकते हैं। 9 सीटों को लेकर तलखी हो गई, ठीक है, सिर्फ 6 और 9 का आंकड़ा था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में, बिल्कुल, लेकिन उत्तर प्रदेश में आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है, वो थे दे रहे थे। जी नवाब सिंह के पास चलेंगे, जी नवाब सिंह के पास चलेंगे। नवाब सिंह जी, क्या ये माना जाए कि बीजेपी ने उलझा रखा है अनुसूचित जात सम्मेलन, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, सवर्ण सम्मेलन, और समाजवादी पार्टी अभी यही नहीं तय कर पा रही है कि गठबंधन के साथ मैदान में जाना है या फिर अकेले लड़ना है? समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 6 साल से लगातार उत्तर प्रदेश में सत्ता में है। लोग इनसे सवाल कर रहे हैं कि दुख आपने रोजगार देने के लिए कहा था, कहां पे रोजगार दिया? नरेगा में जो लोग काम करते हैं उनकी भी रोजगार में एंट्री कर देते हैं। इसी तरीके से किसान इनसे पूछ रहा है कि धान की खरीद कहाँ कहाँ हो रही है, आप एमएसपी की बात तो करते हैं, आपने खाद के दाम कहाँ पहुंचा दिए? तब नौजवान पूछ रहा, किसान पूछ रहा, व्यापारी पूछ रहा, और वहीं पे अपराध, मैं नहीं कहता, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है, अपराध आप देखिए उत्तर प्रदेश में, पिछली सरकार में देखिए, इस सरकार में देखिए, कहां पे है? महिला अपराध देखिए, बेरोजगारी की दर देखिए, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी हैं। इनसे ये गांव में वोट नहीं मांग पाएंगे, लोग सवाल करें, जैसे मैंने इनसे पूछा कि कन्नौज में 6 सालों में 5 काम बता दो, अरे 5 सड़कें बता दो, हमने इंडिविजुअल इन्हें बताया कि ये आपके घोटालेबाज हैं,
क्या किया आपने? अब ये कह रहे प्रदेश में, अरे मैं पूछ रहा हूं आप बताओ ना कि मैंने ये व्यक्ति यहाँ पे घोटाला हुआ, चार माह भागा रहा, उसके बाद आप क्लीन चिट दे देते हो। जब बता रहे हो तो आप बोलने का दे रहे हो, काम चलने वाला नहीं है, काम करके दिखलाओगे। लेकिन है क्या कि जब भी चुनाव आएगा तो ये हिंदू, इनसे अगर हम पूछें अनूप जी से कि हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद के अलावा मुद्दों पे बात करो, तो इनके पास जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। लेकिन रोजगार की क्या बात आपने की थी? लेकिन कम से कम ये क्या बात की थी आपने रोजगार की?